उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर माला फूल प्रसाद बेचने वाले ने थाना महाकाल के दो आरक्षकों पर लगाए मारपीट के आरोप। थाना महाकाल पर कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से की शिकायत। मामले में दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर जांच कर रही है पुलिस। महाकाल मंदिर के बाहर फूल प्रसाद बेचने वाले युवक ने थाना महाकाल के दो आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित रवि माली का कहना है कि मंगलवार को आरक्षकों राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती ने उसके साथ मारपीट की और थाने ले जाकर जबरन माफीनामा लिखवाया। पुलिस यहां आए दिन बेवजह परेशान करती है। पीड़ित ने पुलिसकर्मी पर 500 रुपए मांगने का आरोप भी लगाया है। थाना महाकाल पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एएसपी अमरेंद्र सिंह को शिकायत की है। मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ इतनी मारपीट की गई कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। बावजूद जिला अस्पताल ने उसका मेडिकल करने से भी इनकार कर दिया। सर मैं महाकाल चौराहे पर काम करता हूँ, फूल की दुकान है, भैया की वहाँ पर मैं गिराक छोड़ता हूँ दुकान से। तो ये राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सिंह और विजेंद्र भारती, ये सामने से आए और इनने कॉलर पकड़ी और वहाँ चौराहे पे मारा मेरे को, थाने में ले जाके भी मारा, पूरा हाथ फ्रैक्चर कर दिया इनने। क्यों मारा इन्होंने? बेवजह किसी को भी उठाना और पैसे चाहिए इनको, 500 रुपए चाहिए एक व्यक्ति से। सभी चौराहे वाले परेशान है, आए दिन ये चौराहे वालों से उठा जाते, चोरे वालों को उठा जाते, काम करने वालों को, फूलमाला की दुकान वालों को। पैसे चाहिए इनको 500 रुपए। सर किस चीज़ के 500 रुपए मांगते हैं? काम करना है तो 500 रुपए दो आप यहाँ पर, नहीं तो आपको उठा जाएंगे, 151 लगा देंगे आप पे। बस ये एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक शिकायत की गई थी कि कहीं कोई जवान, दो जवान है उनके साथ में, उनके साथ में मारपीट की गई है। इस पूरे जो शिकायत के आधार पर उसका मेडिकल कराया गया है और शिकायत ली गई है, उसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।